हर समस्या के लिए व्यक्ति निदान चाहता है, उसका परिमार्जन चाहता है। और आज के इस युग में हरेक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। भाई भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पुत्र से, पुत्र पिता से, मित्र मित्र से, शासक प्रजा से, प्रजा अपने शासक से, सबको समस्या ही समस्या है। आज हर व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। हम सनातन संस्कृति के वाहक हैं, सनातन संस्कृति में सत्य धर्म में विश्वास करने वाले हैं, और हमारी एक लंबी परंपरा है जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं। इस सनातन संस्कृति में हमारे महान पूर्वजों ने, हमारे महान राजा महाराजाओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हर समस्या का निदान और परिमार्जन अपनी वाणियों के जरिए, अपने ज्ञान के द्वारा हम सबको बताने का प्रयास किया है। उपनिषद ज्ञान की गंगा है, वेदों में ज्ञान की भंडार छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम सब इन समस्याओं के परिमार्जन के लिए कभी पश्चिम की ओर तो कभी दक्षिण की ओर देखने का प्रयास करते हैं, और परिणाम यह है कि उनके पास परिमार्जन है ही नहीं। इन समस्याओं का निदान हम अपने ही शास्त्रों में खोजें, मैं आपको गारंटी देता हूं निश्चित रूप से आपको उन समस्याओं का निदान हमारे सब ग्रंथों में मिलेगा। इन ग्रंथों में, सब शास्त्रों में सर्वोपरि जिसको हम मानते हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वो वाणी जो अर्जुन के जरिए उन्होंने हम सबको समस्याओं के निदान के लिए, उनके परिमार्जन के लिए कही है। और खुद वासुदेव श्री कृष्ण गीता के सातवें अध्याय में आरंभ में ही कहते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए, श्लोक सहित मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं मया सक्ता मना पार्थ योगम युजन्मदा आश्रयम असंशयम समग्रम माम तक्त ज्ञासति त्रक्षणु। अर्थात हे पार्थ, मुझ में मन वाला, मेरी ओर ध्यान रखने वाला व्यक्ति संशय से रहित होकर यदि मुझे भजता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं। कैसे करते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए आगे अर्जुन को, वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक ऐसी बात कहते हैं कि उसके बाद हमें किसी और शास्त्र, किसी ग्रंथ, किसी बाबा, किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, ज्ञानम तेयम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यद ज्ञात्वा नेहे भूयो अनजम ज्ञातम व्यव म विशिष्यते। अर्थात एक एक शब्द का यदि हम खुद अर्थ करके देखें तो वासुदेव श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ते अहम यानी मैं तुम्हारे लिए, ते का मतलब तेरे, सविज्ञान विदम विज्ञान सहित यानी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से वक्ष्याम शेषते। वक्ष्याम का अर्थ होता है कहूंगा, मैं कहूंगा, अशेषते का मतलब जो पूर्ण रूपेण हो, जिसमें कोई भी चीज शेष नहीं हो। ज्ञानम उस ज्ञान को सविज्ञानम विज्ञान सहित, रहस्य सहित, उसके गोपनीय ज्ञानों सहित मैं तुम्हें कहता हूं। और क्या होगा, अत्येत उसको ज्ञातव्यम जानकर, जानने योग उस ज्ञातम, उसे जानने के बाद अवशिष्यते शेष नहीं रहता, कोई भी चीज शेष नहीं रहती। अर्थात मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित ज्ञान को पूर्ण रूपेण कहूंगा, जिसे जानकर यहां कुछ भी जानने योग शेष नहीं रहता। अर्थात समस्त ज्ञानों के एक ऐसा अमृत जैसा, जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है, दत्त छिपा होता है, इस प्रकार से यह जो ज्ञान की मूल चीज है वो मैं तुम्हें कहूंगा, जिसको जानने के बाद किसी भी प्रकार के और किसी चीज को जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और हमने देखा
महाभारत के उस महान योद्धा महारथी अर्जुन जो कि आरंभ में युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल मना करते हैं और कहते हैं कि गोविंद मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि जो सामने खड़े हैं वो मेरे पिता के भाई चचेरे भाई मामा पुत्र पोत्र पिता में है आचार्य नाना ये मेरे सामने खड़े हुए हैं जिन्हें मारकर मैं इस लोक के राज्य की तो बात क्या है स्वर्ग के राज्य की भी कामना नहीं करता। तब वासुदेव श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि मैं इन्हें मारने के बजाय हिमालय में जाकर तप करूं अर्थात संन्यास ले लूं। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया जिसको हम निष्काम कर्म योग कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जिसको योग कहते हैं जिसको कर्म योग कहते हैं जिसको भक्ति योग कहते हैं जिसको ज्ञान योग कहते हैं उस ज्ञान के सहारे वासुदेव श्री कृष्ण की इस प्रेरणादायक ज्ञान को जब उन्होंने अर्जुन को बताया तो वो अर्जुन गांडीव की तनकार के साथ गीता के आखिरी अध्याय में कहते हैं स्मृति लब्धो मुझे मेरी स्मृति वो जो मैं भूल गया था प्राप्त हो गया और बताइए वासुदेव श्री कृष्ण अब मुझे कहां बाण चलाना है। और हम सब जानते हैं कि महाभारत के उस महानतम योद्धाओं के समूह को वासुदेव श्री कृष्ण के सारथित्व में महारथी अर्जुन ने जीत लिया। तो क्यों ना हम उस ज्ञान को सब पहचाने और जो जगह जगह जिसे ज्ञान है ज्ञान एक मोती की तरह है और अनेक कचरे के अंबार में यदि मोती छिपा है तो हमें उस कचरे को निगलने की खाने की हटाने की जरूरत नहीं वो मोती यदि सीधा सीधा हमारे सामने है ऐसी श्री कृष्ण की वो वाणी जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकलकर महारथी अर्जुन के माध्यम से सबको स्वधर्म का ज्ञान कराती है उस स्वधर्म के ज्ञान को समझने के लिए हमको वासुदेव श्री कृष्ण की उस वाणी गीता का न केवल अध्ययन करना चाहिए बल्कि दूसरे लोगों को भी उसके बारे में बताना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा यदि गीता के ज्ञान को हमने हृदयंगम कर लिया हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। बोलिए श्री कृष्ण की जय।